आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon Pay Wallet UPI के बारे में। अभी ये सर्विस बहुत कम लोगों को मिली है, यानी जितने यूजर है Amazon Pay के उन सभी को अभी ये ऑप्शन मिला भी नहीं, और उससे पहले ही यहाँ पर बैड न्यूज आ चुका है। अभी इस सर्विस का यूज करके बहुत सारे लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड की बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी लोड मनी करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, उसको आप 0% चार्जेस में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। जो कैशबैक वगैरह या फिर आपके पास में गिफ्ट कार्ड का कोई बैलेंस है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से लोड मनी कर रहे हो, उसको तो आप 100% जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहे हो, जिनको भी Amazon Pay Wallet UPI का ऑप्शन मिला हुआ है। तो इस कारण से Amazon Pay Wallet UPI को लेकर Amazon ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर दिए हैं, जो कि एक तरह से कहूँ तो बहुत ही बुरा अपडेट है उनके लिए भी जो ये सर्विस को यूज कर रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्हें अभी ये सर्विस मिली भी नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर में मिल जाए। तो चलिए मैं क्या बुरी खबर है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन में देख सकते हो, अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है Amazon Pay Wallet UPI ID का, तो 24 आवर्स के अंडर में आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो। पहला तो ये अपडेट जान लीजिए। उसके अलावा सेंड मनी टू बैंक अ मैक्सिमम ऑफ 10 बैंक ट्रांसफर पर डे, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 10 बैंक ट्रांसफर ही कर सकते हैं एक दिन में, ठीक है। मंथली ट्रांसफर लिमिट ऑफ INR 10,000, यानी आप महीने में सिर्फ 10,000 रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हो, इससे अधिक नहीं कर सकते हो। और यो भी इस फीचर को लेने के लिए आपका जो अकाउंट है फुल KYC होना चाहिए, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा अगर आप मर्चेंट पेमेंट UPI या फिर स्कैन एंड पे करते हैं, या फिर ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर राहत मिला है। आपको जो मंथली स्पेंड की लिमिट दे दी गई है वो 20,000 रुपए की दे दी गई है, लेकिन इसके लिए आपका जो अकाउंट है फुल KYC होना चाहिए। आपका अगर स्मॉल PPI अकाउंट है तो 10,000 रुपए तक की आपको लिमिट दे दी जाएगी आप UPI या फिर स्कैन एंड पे करते हो तो, यानी जिनका भी मिनी KYC वगैरह है वो 10,000 रुपए तक कर सकते हैं, सिर्फ स्कैन एंड पे और ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो 5 collect request ही कर सकते हैं, तो पूरे दिन में आप सिर्फ 5 ही request एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो जो भी आपको रिक्वेस्ट वगैरह मिलेगी या फिर आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। आप इस महीने में इस सर्विस का यूज करके आप बैलेंस ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाओगे, यानी Amazon Pay Wallet UPI सर्विस का यूज नहीं कर पाओगे। ये यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ मेंशन है। सो फिलहाल तो अभी ये सर्विस सभी को मिली भी नहीं, और उससे पहले ही ऐसी खबर। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अभी Amazon Pay Wallet UPI का सर्विस जो है मिला है कि नहीं मिला है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।